हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर विचार करेंगे। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, 1857 सिपाही विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, यह गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुआ था। फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह के होने के बहुत सारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण थे। उसी में से एक विस्तारवादी नीति जो कि डलहौजी के द्वारा संचालित किया गया था वो भी एक था। लेकिन जिस समय सिपाही विद्रोह हुआ उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी नहीं थे बल्कि लॉर्ड कैनिंग थे, यानी कि पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कहता है, यह विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सिपाही विद्रोह मुख्य रूप से आज के उत्तर भारतीय इलाकों में, वो पंजाब से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर शोर से देखा गया था। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। हम जानते हैं कि 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मेरठ से शुरू होता है। धीरे धीरे वो बड़े क्षेत्र पर विस्तारित कर जाता है और इसे मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान के कुछ क्षेत्रों, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी देखा जाता है। दक्षिण भारत लगभग इस विद्रोह से अछूता रह गया था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, आप इसे जानते हैं। इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा दिल्ली में, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई सबसे प्रसिद्ध, इलाहाबाद में लियाकत अली, बनारस में जनसामान्य ने बिना किसी नेतृत्व के इस विद्रोह में हिस्सा लिया, बिहार में कुंवर सिंह, पंजाब में भी जनसामान्य ने इस विद्रोह में हिस्सा लिया, फतेहपुर में अजीमुल्ला, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, और वैसे ही बरेली में खान बहादुर खान और बख्त खान, ये दोनों थे जिन्होंने यहाँ पर अपनी सहभागिता दिखाई, लीडरशिप का रोल किया और 1857 के विद्रोह को एक जबरदस्त आग के रूप में फैला दिया। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बक्सर की लड़ाई। 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में नियुक्त किए, आप जानते हैं दो व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद, तो वो जो दो व्यक्ति थे जिनको अलग अलग रियासतों में नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो कौन थे? यहाँ पर आपके दिए गए ऑप्शन में रियासतों के प्रतिनिधि, मूल निवासी जो ब्रिटिश विधान परिषद का एक काफी हिस्सा थे। दूसरा कहता है, राज्यों के सहायक गठबंधन के तहत आकस्मिक सेना की इकाइयों के प्रमुख। तीसरा कहता है, राज्यों में कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक एजेंट। चौथा कहता है, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के पूर्व गवर्नर जिन्हें राज्यों को नियंत्रित किया था। फ्रेंड्स, आप जानते हैं बक्सर की लड़ाई 1764, इसके बाद भारत का इतिहास बदलने लगता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को इस तरह से स्थापित करती है कि उसके बाद आने वाले लगभग 300 सालों तक ये कंपनी यहाँ पर राज करती है। इनके द्वारा 1764 की क्रांति के बाद भारत के हर रियासत में दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी। एक व्यक्ति राजनीतिक मामलों को देखता था और दूसरा वाणिज्यिक मामलों को देखता था। राजनीतिक मामलों के अंतर्गत कोई भी भारतीय राज या फिर भारतीय राज्य किस प्रकार से अपने राजनीतिक संबंध स्थापित करेगा, चाहे वो किसी भी यूरोपीय देश के साथ हो या फिर आपस में ही जो भारत के अलग अलग राजवाड़े हुआ करते थे उनके साथ कैसा संबंध होगा, उनकी वाणिज्यिक संचालन कैसे होंगे, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को आगे बढ़ाया जा सके, इस दिशा में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता था। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, मार्च
1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए 14 सूत्र दिए। निम्नलिखित में से कौन सा 14 बिंदुओं में शामिल था? यहाँ पर चार बिंदु दिए, ऐसे सूत्र दिए गए हैं, चार ऐसे लक्ष्य दिए गए हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मार्च 1929 में 14 सूत्र में से हैं या नहीं, आपको ये पहचानना है। पहला कहता है, प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों के साथ संघीय संविधान। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1929 के आसपास तक मोहम्मद अली जिन्ना दो अलग अलग राष्ट्र की मांग नहीं कर रहे थे, तब तक वो एक संघीय संविधान की बात कर रहे थे। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं उनको प्रांतों को दिए जाने की वकालत की जा रही थी, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है, केंद्रीय विधायिका में एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व, ये मांग भी 14 सूत्री मांगों के अंतर्गत थी। बम्बई से सिंध का अलग होना, जी हाँ ये बिल्कुल था। जो बम्बई प्रांत था उसके अंतर्गत कहा गया था 14 सूत्री मांगों के अंतर्गत कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए, तो ये भी था। पृथक निर्वाचक मंडल नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल, जी नहीं, संयुक्त निर्वाचक मंडल की मांग उन्होंने नहीं की थी, पृथक निर्वाचक मंडल की ही मांग की थी, यानी कि चौथा गलत हो जाता है। 1, 2 और 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, आप इसे ध्यान रखेंगे। जो 14 सूत्री मांग थी जो पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखें। उन्होंने पहली बार ये कहा था, भारतीय संविधान संघात्मक होना चाहिए, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी जानी चाहिए, भारत के सभी प्रांतों को स्वायत्तता दी जाए और वो जितने भी भारत के प्रांत हों उनमें स्वायत्तता का जो हिस्सा हो वो बराबर हो। मतलब बम्बई प्रांत को अलग स्वायत्तता दी जाए, वैसे ही मद्रास को अलग दिया जाए, ऐसे प्रावधान करने से इन्होंने मना किया था। इन्होंने कहा था, समस्त प्रांतों के विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, कम से कम एक व्यक्ति एक ऐसा हो जो विधानमंडल केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम हो, सभी संप्रदायों को धार्मिक स्वतंत्रता दिए जाने की बात इनके द्वारा की गई थी। जैसे हमने देखा कि सिंध प्रांत को बंबई से अलग किए जाने की भी इन्होंने मांग की। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की बात इनके द्वारा 14 सूत्री मांगों में किया गया था। इनके द्वारा 8वें मांग के रूप में केंद्रीय विधानमंडल के द्वारा संघीय संविधान में किसी भी प्रकार का यदि संशोधन किया जाता है तो बिना प्रांतों के सहमति के नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रावधान करने की भी इन्होंने मांग की थी। 9वें मांग के रूप में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में कम से कम एक तिहाई जो मंत्री होंगे वो मुस्लिम होने की बात इन्होंने की थी। मतलब आप याद रखेंगे, हम लोगों ने अभी देखा पीछे कि केंद्रीय विधानमंडल में एक सदस्य होना चाहिए, मंत्रियों के लिए इन्होंने कहा कि कम से कम एक तिहाई सदस्य मुस्लिम मंत्री होंगे। उसके बाद में फिर आगे जो 10वां था वो ये कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक हैं उनकी शिक्षा संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान संविधान में किया जाए, इसकी भी बात की। सीमांत प्रांत और बलूचिस्तान में भी अन्य प्रांतों की भांति जो भी सुधार आंदोलन पूरे भारत में संचालित किए जा रहे हैं वैसे ही सीमा प्रांत और बलूचिस्तान में भी संचालित किया जाए, इसकी भी मांग इनको द्वारा की गई। पंजाब बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत जहां पर उस समय सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, आज भी यहीं रहते हैं, वहां पर ये कहा गया था कि किसी भी प्रकार का पुनर्गठन ना किया जाए, पंजाब को पूरा का पूरा रहने दिया जाए, बंगाल को पूरा का पूरा रहने दिया जाए, उसको अलग अलग न किया जाए, ऐसे इनके द्वारा मांग की गई थी। प्रांतों की सीमा परिवर्तन में मुस्लिम बहुल प्रांतों में उनका बहुमत समाप्त न किया जाए, मतलब जहां पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहां पर मुसलमानों की संख्या को रहने दिया जाए, उनको बांटा ना जाए, तो ये उनके द्वारा कहा गया था। किसी भी विधानसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव पेश न किया जाए जिसका कि किसी संप्रदाय के 3/4 सदस्य जो हैं वो विरोध करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी विधानसभा में, जो अलग अलग विधानसभाएं थी उनमें से किसी भी विधानसभा में कोई भी ऐसा प्रस्ताव न लाया जाए जो सांप्रदायिक हो और उसको 3/4 सदस्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा हो, तो ये भी कहा गया था।
1929 में जब तक इन्होंने 14 सूत्री मांग दी थी तब तक इनका दिमाग एकीकृत और संघीय भारत पर ही था, लेकिन बाद में ये बदल जाते हैं 1940 के बाद और इनका एक ही रट लगा लेते हैं कि अलग पाकिस्तान अलग पाकिस्तान। आज क्या है आप देख रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, ब्रिटिश भारत के तहत पाठशाला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप जानते हैं कि भारत में ये जो आप आज पाठशाला व्यवस्था देख रहे हैं, स्कूल की व्यवस्था, कॉलेज की व्यवस्था देख रहे हैं, ये व्यवस्था पहले भारत में थी नहीं। तो ये उस समय के बारे में प्रश्न पूछ रहा था कि जब भारत में ब्रिटिश लोगों का स्टार्टिंग हुआ था, मतलब वो शुरू शुरू में भारत में शिक्षा पद्धति में हस्तक्षेप करना शुरू किए थे, उसके बारे में पूछ रहा है। पहला कहता है, यह न्यूनतम नियमों के साथ केंद्रीकृत शासन के सिद्धांत पर काम करने वाले संस्थान थे। यह बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जब भारत में अंग्रेजों का हस्तक्षेप शिक्षा पद्धति में नहीं हुआ था उस समय भारत में लाखों की संख्या में पाठशालाएं चलती थीं। हालांकि ये पाठशालाएं किसी पेड़ के नीचे चलती थी, किसी गुरुजी के आवास पर चलती थी, गुरुकुल हुआ करता था वहाँ पर चलती थी। आज जिस तरह से आप स्ट्रक्चर जान रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्डिंग जान रहे हैं, समय सारिणी जान रहे हैं, अलग अलग विषय जान रहे हैं, एक निश्चित समय के बाद परीक्षाओं की अवधि जान रहे हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। सारे बच्चे एक साथ बैठ कर पढ़ते थे, तो ये प्रावधान भारत में था। तो ये इसीलिए कह रहा है कि न्यूनतम नियम थे, मतलब ज़्यादा नियम कानून नहीं था उस समय जो पाठशालाएं चलती थी वहाँ, और वो विकेंद्रीकृत शासन सिद्धांत पर काम करती थी। मतलब कोई कानून व्यवस्था नहीं था वहाँ पर कि 8वीं क्लास 7वीं क्लास 6ठी क्लास ऐसा नहीं हुआ करता था। सारे बच्चे एक साथ हुआ करते थे, पढ़ाई करते थे। उनको संचालित करने के लिए एक रेगुलेटर नहीं होता था, जैसे अलग अलग बोर्ड हैं, CBSE का अलग बोर्ड है, वैसे ही ICSE का है, अलग अलग स्टेट बोर्ड होते हैं, वैसा कोई प्रावधान नहीं था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन कहता है, वुड डिस्पैच पाठशालाओं की प्रणाली के खिलाफ था। जी नहीं, जब वुड डिस्पैच आता है उस समय कहा गया था कि जो पाठशालाएं संचालित हो रही हैं उनको संचालित होने दिया जाए, बस उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। कुछ मुखिया ऐसे होते थे, कुछ गुरुजी ऐसे होते थे जिनको अधिकार दिए गए कि वो अलग अलग पाठशालाओं में जाकर समय समय पर आप उसका निरीक्षण कीजिए। साथ ही उनको कहा गया कि कुछ समय सारिणी तय कीजिए, परीक्षा का प्रावधान किया जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं उस डिस्पैच में कही गई और उनके खिलाफ नहीं था, उनको समर्थन किया गया था। इसलिए ऑप्शन मतलब दूसरा गलत है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहला सही पूछ रहा है और पहला बिल्कुल सही है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जब पहली बार भारत में मिशनरी संस्थानों का प्रवेश हुआ उस समय एक व्यक्ति थे जिनको कहा गया था कि आप जाके भारत में कितने ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं या फिर पाठशाला चल रहे हैं उसका अध्ययन किए करिए। तो उस समय भारत में 1 लाख से अधिक ऐसे पाठशालाएं थीं जिनको इनके द्वारा नोटिफाई किया गया था। ऐसी थी कि हर संस्थान में 20 से ज़्यादा छात्र नहीं होते थे, क्योंकि हर गाँव में ये होता था, हर गांव में एक गुरुकुल होता था, तो विद्यार्थियों को एक गांव से दूसरे गांव में जाने की आवश्यकता होती नहीं थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। इनके द्वारा गणना में कहा गया था लगभग 20 लाख ऐसे छात्र हैं जो पाठशालाओं में पढ़ते हैं, तो ये ऐसा कहा गया था। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखें, पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का 5वां और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसे कारण दिए गए हैं जिसकी वजह से हम लाहौर अधिवेशन 1929 को याद करते हैं। आपको बताना है उनमें से कौन से महत्वपूर्ण हैं। पहला कहता है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के दौरान ही पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच दरार इस सत्र में हल हो गई थी। जी नहीं, आप याद कीजिए, लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिका चरण मजूमदार इनकी अध्यक्षता में जो आयोजन किया गया था उस समय एनी बेसेंट और तिलक इनके अगुवाई में चरमपंथी और नरमपंथी इन दोनों को फिर से शामिल कर लिया गया था, तो इसे आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। तीसरा कहता है, उस सत्र में
दो राष्ट्र सिद्धांत को खारिज करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। जी नहीं, देखिए दो राष्ट्र का सिद्धांत 1929 में नहीं आया था, दो राष्ट्र का सिद्धांत जोर शोर से आता है 1940 के आसपास, जब मोहम्मद अली जिन्ना इसको ऐसे जोर से पकड़ते हैं कि भारत आजाद होते होते दो राष्ट्र बन जाता है। तो वो उस समय तक तो ये सिद्धांत आया ही नहीं था, तो उसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित क्यों किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर सही पूछा गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, चार ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिसको आपको याद रखना है। पहला, गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। दूसरा, पूर्ण स्वतंत्रता के मांग को एक उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को कहा गया कि करों का भुगतान न किया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार इनको दिया गया। कहा गया कि जो भी लोग विधानसभाओं में अभी सदस्य हैं वे लोग अपनी अपनी सीटों से इस्तीफा दे दें। चौथा, 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का दिन भी चुना गया था। तो ये चार महत्वपूर्ण प्रावधान थे, इसे आप याद रखेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।